वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फेजर कर्व्स। ये लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम ग्राफिक्स को ड्रा कर सकते हैं फेजर के अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, ग्राफिक ड्राइंग क्या है हमारे पास। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स इज अ वे टू ड्रा द प्रिमिटिव शेप्स टू योर गेम। प्रिमिटिव इंक्लूड्स फॉर्म्स ऑफ ज्योमेट्री सच एज रेक्टेंगल, सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स। ठीक है, क्या मतलब कि हमने क्या करना है कि जो रेक्टेंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, पॉलीगॉन्स वगैरह, उन इस तरह की शेप्स को खुद ड्रा करना। एक तो तरीका ये है ना कि हम एज अ इमेज जो है रेक्टेंगल को या सर्कल को या ट्राइंगल को इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इनको ड्रा करना खुद फेजर के अंदर। ठीक है, सो ये भी हम काम कर सकते हैं। ओके राइट, सो अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो कैनवस टैग का, तो हम कैनवस टैग में मैन्युअली भी ये काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कोई भी लाइन वगैरह ड्रा करने के लिए उसका 2D कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम फिर क्या करते हैं, रेक्टेंगल्स वगैरह और सारी चीज़ें जो है ना हम ड्रा करते हैं। ठीक है, सो उसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो फेजर है वो हमें कुछ फंक्शन देता है। यानी डायरेक्टली अगर हमने कोई सर्कल ड्रा करना है तो उसके लिए हमें फेजर फंक्शन देगा, जिस हम फंक्शन को यूज़ करेंगे सर्कल ड्रा हो जाएगा, ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही काम कैनवस के अंदर करें, डायरेक्टली खुद 2D कैनवस को गेट करके और खुद ड्रा करें, तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है, वो सारी शेप जो है हमें खुद मैनुअली बनानी पड़ती है। ठीक है, सो ये उसका कोई फेजर का फ़ायदा हो गया कि इसमें हमें वो चीज़ें खुद से सारा काम नहीं करना पड़ता, हमें फंक्शंस बने बनाए मिले हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको इस ड्राइंग में कॉमनली यूज़ होती हुई मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारे पास स्ट्रोक स्टाइल। स्ट्रोक स्टाइल क्या है कि यानी अब हम जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, ठीक है, उसको जो हमने कलर देना है, उसको विड्थ देनी है, उसको कितनी हमने ट्रांसपेरेंसी देनी है, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रोक स्टाइल होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, फिल स्टाइल। फिल स्टाइल क्या होता है कि जो भी हमारी शेप है उसको फिल करने के लिए जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं, जो हम ट्रांसपेरेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास क्या होगा, फिल स्टाइल होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास इमेज है जिस तरह रिक्टेंगल, तो इसका जो बॉर्डर कलर है, ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, उसका स्ट्रोक स्टाइल है, और जो उसके अंदर जो कलर फिल हुआ है वो हमारे पास क्या, फिल स्टाइल है। ओके राइट, सो पाथ क्या होता है, पाथ इज़ अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स एंड द लाइन फॉर्मिंग द कम्प्लेक्स शेप्स विच कैन बी अ स्ट्रोक डर फिल। ठीक है, सो हम जो भी पाथ ड्रा करेंगे, ठीक है, उसको हम फिल भी कर सकते हैं, स्ट्रोक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर फिल करना है तो उसके लिए हमारे पास शेप जो होगी वो क्लोज होगी। ठीक है, अगर फिल नहीं हम करते तो वो हमारे पास शेप जो होगी वो इस तरह ओपन होगी। ठीक है, अब क्लोज शेप क्या होती है कि जिसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो दोनों क्या कर रहे हो, आपस में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सील हो हमारे पास वो जो एरिया हो वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्लोज शेप कहेंगे। लाइक जिस तरह ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये तीनों पॉइंट आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक क्लोज शेप बना रहे हैं जिसको हमने कलर के साथ फिल किया हुआ। ठीक है, दूसरी हमारे पास ओपन शेप होती है जिसमें एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपस में मिलते नहीं है। ठीक है, सो ये हमारे पास जिस तरह ये एक सिंपल मैंने ये लाइंस जो है वो ड्रा की हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ओपन शेप है। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम कोड करके इस तरह की शेप्स जो है वो डिफरेंट शेप्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। सो ये हमारा प्रीवियस कोड है जिसमें हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी हमें जो है ना ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इन सारी चीज़ों को क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। ठीक है, सो उसके बाद हमें अपना थोड़ा सा कोड को जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सोर्स का फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस सोर्स के फोल्डर के अंदर जो है हमें अपनी इस फाइल को फेंक देना। ठीक है, उसके बाद मुझे एक अलग से फाइल बनानी है कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, configuration.js। ठीक है, इस जगह पर मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा फेजर को। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, const configuration is equal to like that। ठीक है, और इस configuration के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले टाइप डिफाइन करनी है। ठीक है, टाइप में मैं क्या करूँगा, फेजर डॉट ऑटो। ठीक है, फिर मैं विड्थ बताऊँगा, ठीक है, 800। ठीक है, हाइट बताऊँगा मैं अपने कैनवस की। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ओके। सो उसके बाद हमें क्या करना है, इधर सीन बताना है। ठीक है,
अब इस तरह हम जो है अपना सीन डिफाइन करते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि ना हम इस तरह फ्री लोड का फंक्शन बना लें, ठीक है, और देन हम एक क्रिएट का फंक्शन बना लें, ठीक है, और लास्ट पे हम क्या करेंगे अपडेट का फंक्शन बना लें, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है मेरे पास। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सीन को अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं और फेजर के अंदर से सीन को जो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। वो किस तरह, हम एक बनाएंगे क्लास, लास्ट टाइम हमने जो सीखा था क्लास क्या होती है, ठीक है। अभी इधर मैं कह देता हूँ मेरा मेन सीन, ओके, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड क्या करना है मुझे, फेजर का जो फेजर डॉट सीन जो है ना, इस क्लास को मुझे क्या कर देना, एक्सटेंड कर देना, ठीक है। इसको मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, ठीक है, और इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, सीन को इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सीन को उस जो फेजर का सीन था उसके साथ मैंने एक्सटेंड कर दिया। जब एक्सटेंड करूँगा तो मेरे पास कंस्ट्रक्टर आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले काम हमने सुपर को कॉल कर देनी है, ठीक है। जब हमने सुपर को कॉल करनी है तो इधर अगर हम देखें, सुपर को हमें क्या पास करना है, सी हेयर, ठीक है। सुपर को हमें एक कन्फिग्रेशन पास करनी है, जिस कन्फिग्रेशन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया होगा, जो सीन की कन्फिग्रेशन है ना, वो डिफाइन करनी है, ठीक है। तो इस जगह पे हमें क्या डिफाइन करना है, की जो है ना डिफाइन करनी है। की क्या है, की एक कह लें आप आईडी है, ठीक है। इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई सीन वगैरह शफल करना होता है, एक सीन से दूसरे सीन में जाना होता है, तो फिर हम इस की को यूज़ करते हैं। अभी के लिए आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट आप ये समझ लें कि ये हमारे पास आईडी है, जो हमने इस क्लास का जो है ना, इस क्लास को एक आईडी दे दी है, ठीक है। क्या आईडी दे दी मैंने, मेन सीन के नाम से, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, इसके अंदर तीन फंक्शन बना देने, ठीक है। अब इसमें जब हम फंक्शन या मेथड बनाते हैं तो वो हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट का फंक्शन, ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास क्या हो जाएगा, अपडेट का, ओके, राइट। अब इस जगह पे अब हम इस तरह सीन पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे, उसके अंदर हम अपनी अपना जो सीन है उसको इस तरह डिफाइन कर देंगे, ओके, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, एक्सपोर्ट इस कन्फिग्रेशन को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन, सॉरी कन्फिग्रेशन, ओके, राइट। अब मैंने क्या किया, इस कन्फिग्रेशन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सीन है ना, इसको मैं अलग से एक फाइल में रख दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पे अलग से एक फाइल बना दूँगा, मेन सीन डॉट जी एस, ओके। इसको मैंने क्या कर दिया, इस जगह पे इंपोर्ट कर दिया और पेस्ट कर दिया। अब मैं इस जगह पे सीन जो है उसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। अगर किसी को एक्सपोर्ट की समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो क्लास है, ठीक है, या ये जो फंक्शन है या एक वैल्यू है, कोई भी चीज़ है जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको मैं क्या करूँगा, इस साइड पे एक्सेस कर सकूँगा, जिस तरह मैंने फेजर को किया हुआ था। मैं इधर लिख सकता हूँ मेन सीन, ठीक है। तो अब वो मुझे क्या कह रहा है कि इस मेन वाली फाइल से मैं इस मेन सीन को गेट करूँगा, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट करना होता है ना, एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूँ, दूसरा ये कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट ना करूँ तो फिर मैं इसको इस कर दूँ, ठीक है। जब हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक ही चीज़ मैं इधर से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करवानी है, लेट्स सपोज मुझे ये मेरे दो सीन है, ठीक है, तो मैं दो रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ इस सिंगल फाइल के अंदर से, तो फिर मैं किसी एक को अगर डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो दूसरा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा ना। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट लगा के कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इधर अपने दोनों जो है सीन्स, उन दोनों का इस तरह हम लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे दो सीन जो है दोनों एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन अब मसला इस साइड पे आएगा कि इस जगह पे तो ये तो मैंने किया था कि उसको इंपोर्ट करो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर लो, लेकिन अब जो है ये ठीक नहीं इंपोर्ट हुआ, क्योंकि उधर से तो डिफ़ॉल्ट में कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। इस जगह पर मैं लिखूँगा मेन सीन, ठीक है, मेन सीन टू, ठीक है। इस तरह मैं दोनों सीनों को इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, किस तरह हम चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आप उसको डायरेक्टली नेम के साथ जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है आपके पास, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं,
इसको इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि आप मल्टीपल एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। एक मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया और दो चीज़ें मैंने डिफॉल्ट इस तरह कर दी एक्सपोर्ट, ठीक है। यानी अगर यूज़र डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसे मेन सीन मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो इस तरह ब्रैकेट्स लगाएगा फिर उसे दोनों सीन मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरह अगर मैं फेज़र करता हूँ तो मुझे पूरा फेज़र की मिल जाती है लाइब्रेरी पूरी की पूरी उसमें, लेकिन अगर मैं कॉमा लगा के इस तरह करता हूँ, ठीक है, यानी कि फेज़र, ठीक है, अगर मैं कॉमा लगाता हूँ तो इस जगह पे मुझे कोई और चीज़ें भी मिल जाती हैं, लाइक सीन, ठीक है, मैथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे भी मिल जाती हैं। तो दैट्स द थिंग वी शुड नो अबाउट इट, ठीक है। सो ये थोड़ा कुछ बेसिक्स थी हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। यानी हम अपने कोड को मल्टीपल फाइल्स में शिफ्ट कर सकते हैं और एक फाइल से दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें जो है सीन टू की ज़रूरत नहीं है, ओके, राइट। सो हमने क्या किया, एक मेन सीन बनाया, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसको हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके इस जगह पे हमने इसको यूज़ कर दिया। अब मैं अगर एक और सीन बनाना चाहता हूँ तो मैं अलग से एक फ़ाइल बना दूंगा, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, उसको भी इसी तरह इंपोर्ट कर दूंगा। और बाकी अगर आपको सीन के बारे में नहीं पता चल रहा कि सीन क्या है, ये क्या है, तो इस चीज़ के बारे में आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें इन चीज़ों को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझ लें कि ये मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, मेन स्क्रीन जहाँ मैं अपना गेम जो है वो शो करवाऊँगा, ठीक है। सो उसको मैंने इस जगह लिख दिया, ओके, राइट। सो ये मेरी जो मेन स्क्रीन है, अब इसके पास मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, प्रीलोड फंक्शन, क्रिएट फंक्शन और अपडेट फंक्शन, ठीक है। प्रीलोड क्या कहते हैं, ये चीज़ों को लोड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी मैंने कोई भी चीज़ अगर लोड करनी है, कोई इमेज लोड करनी है, कोई भी चीज़ लोड करनी है, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। और अगर मुझे कोई चीज़ क्रिएट करनी है, यानी कोई चीज़ मुझे ऐड करनी है अपने सीन के अंदर, तो उसके लिए मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा। और अगर मुझे उस चीज़ की पोजीशन को अपडेट करना है, उसको मूव वगैरह करवाना है, तो उसके लिए मैं अपडेट का फंक्शन यूज़ करूँगा, ओके, राइट। सो आपको ये थोड़ी सी बेसिक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए, अब दूसरी जगह पर इस जगह पर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, गेम को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, फेजर, ठीक है। लास्ट टाइम हमने सारा ये काम एक ही फाइल में किया था, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि अब हमने कन्फिग्रेशन को सेपरेट कर दिया, अपने सीन को सेपरेट कर दिया और मेन फाइल को सेपरेट कर दिया जिस जगह पे हम गेम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्ट गेम इज इक्वल टू न्यू फेजर डॉट गेम, ठीक है, और इस जगह पे कन्फिग्रेशन, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन उस फाइल से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने HTML की फाइल में आना, इस जगह पे हमने अपना सोर्स को जो है वो अपडेट कर देना, सोर्स स्लैश मेन डॉट जी एस, ठीक है। अब हमने ये किया है, यहाँ से मेन फाइल को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट करेगा और न्यू गेम क्रिएट कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, वो मेन सीन को इंपोर्ट कर लेगा और ये हमारा मेन सीन होगा जहाँ पे हम अपना काम करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रीलोड फंक्शन है, ये सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है, जब भी गेम स्टार्ट होगी। उसके बाद ये एक टाइम के लिए कॉल होगा, स्टार्ट का फंक्शन, क्रिएट का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपडेट जो है ये कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हर की ये क्या होगा कि इसके कुछ फ्रेम्स पर सेकंड होंगे, यानी एक फ्रेम एक सेकंड के अंदर कुछ फ्रेम्स रेंडर होंगे, जितने फ्रेम्स रेंडर होंगे उतनी बार हमारा अपडेट का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, ओके, राइट। सो अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर अगर हम आएँ, सो इधर हमें एक एरर रिसीव हो रहा है, सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ एरर, ठीक है। सो इस जगह पे फेजर डॉट गेम, सो वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, ओके, राइट। सो अब हमने देखा, सबसे पहले प्रीलोड फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, देन क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ, वंस एक बार ही सिर्फ कॉल हुआ, उसके बाद अपडेट जो है वो कंटिन्यूसली कॉल हो रहा है, ठीक है, ओके, राइट। सो ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक्स जो है वो सीन की समझ आ गई होगी। सीन हमारे पास क्या होता है, एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन को सबसे पहले हमने लोड करना है, फिर उस स्क्रीन के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम क्रिएट का फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर उन ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए या उन पे कुछ भी एनिमेट वगैरह करने के लिए, उसके लिए हम अपडेट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ओके, राइट। सो अब हम क्या करते हैं,
अब हम देखते हैं कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या, ग्राफिक ड्राइंग क्या होती है, ग्राफिक्स ड्राइंग क्या होती है, किस तरह हम ग्राफिक्स ड्रा कर सकते हैं। लाइक मैं अब रिक्टेंगल ड्रा करना चाह रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो मैं उसको किस तरह ड्रा करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने एक लेट्स सपोज हम वेरिएबल ले लेते हैं लेट्स, ठीक है, सॉरी लेट प्लेयर इज इक्वल टू। तो मैं क्या करूँगा दिस डॉट। अब मैंने जब दिस डॉट किया, इसका क्या मतलब है कि इस सीन के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी वो इस चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल होंगी। अब ये हमारे पास क्या है, पेरेंट है, और इसके जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी इसके वैल्यूज़ हैं, जितनी भी इसकी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, मेम्बर्स वगैरह हैं, सारे एक्सेसिबल हैं मुझे, ठीक है। अब मुझे चाहिए ऐड। ऐड करने का क्या मतलब कि मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ अपने सीन के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, मैं ग्राफिक्स ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं ग्राफिक्स ऐड करूँगा, इसकी मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ सेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट वगैरह नहीं करनी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्लेयर डॉट, ठीक है। अब इस जगह पर मैं क्या करता हूँ, ऐड प्लेयर डॉट स्ट्रोक रिक्टेंगल, ठीक है। मैंने क्या कह रहा हूँ कि मुझे एक स्ट्रोक रिक्टेंगल बना दूँ, ठीक है, ये वाली एक्स पोजीशन के ऊपर, ये वाली वाई पोजीशन के ऊपर। 200 उसकी विड्थ रखो और 300 उसकी हाइट रख दो, ठीक है, और ये मुझे जो है ना बना के दे दो, ओके राइट। अब मैं हम देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिला है, ठीक है। सो अब ये अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र जो है नहीं आ रहा, ठीक है। वाई, क्योंकि हमने इसका कोई स्टाइल जो है वो डिफाइन नहीं किया। स्ट्रोक हमने कर तो दिया है, स्ट्रोक रिक्टेंगल, ठीक है, लेकिन हमने इसका कोई स्टाइल नहीं डिफाइन किया। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जगह पे स्ट्रोक इसको हम इस जगह पर जाके देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हैं जो से हम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास है ये ऑप्शंस, ग्राफिक्स के ऑप्शंस, ठीक है। इसमें हमारे पास है स्टाइल है, ठीक है। इसमें हम, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इस जगह पे, तो हम सिर्फ एक्स और वाई जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं उस ग्राफिक्स का, ठीक है। सो अभी हमें जो है ना वो उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्लेयर डॉट स्ट्रोक लाइन विड्थ और कलर जो है हम चूज कर लेते हैं 0x, वाइट कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फा, अल्फा यूज होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, तो आई से के 1, ठीक है। सो अगर आप देखें तो इस जगह पे, अच्छा अब ये जो लाइन स्ट्रोक है ना, लाइन स्टाइल जो है, लाइन स्टाइल सेम ही है, जिस लाइन स्टाइल जो है, लाइन स्टाइल हम उसको कहते हैं स्ट्रोक स्टाइल को, ठीक है। स्ट्रोक स्टाइल को ही हम लाइन स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और इस जगह पे भी, ठीक है, राइट, इस जगह पे भी हम डायरेक्टली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइन स्टाइल जो है इस जगह पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ बतानी पड़ेगी, विड्थ के कितना उसकी विड्थ क्या होगी, कितनी जो है वो विड्थ होगी उस लाइन की जो हम ड्रा करना चाह रहे हैं, जो आउटलाइन है या बॉर्डर है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसका फिर कलर क्या होगा, ठीक है, हम कलर क्या यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी अल्फ़ा प्रॉपर्टी आ जाएगी, अल्फ़ा 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कलर होता है वो क्या होता है, फिल स्टाइल होता है, ठीक है। फिल स्टाइल में भी सेम इसी तरह होता है, बस उसमें विड्थ नहीं होती, उसमें सिर्फ कलर और अल्फ़ा होता है, ठीक है। सो आई मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है, और अल्फ़ा जो है उसका भी 1 चाहिए, ओके राइट। सो अभी मैंने क्या किया है, इस कलर, इस स्टाइल को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी मैं स्टाइल जो है अप्लाई कर सकता हूँ, और ऊपर जो मैंने ग्राफिक्स ऐड किए हैं तो इधर भी मैं कलर्स जो है डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने दोनों कलर्स डिफ़ाइन कर दिए हैं स्ट्रोक्स
स्टाइल भी स्ट्रोक स्टाइल भी अप्लाई कर दी है और फिल स्टाइल भी अप्लाई कर दी है। ठीक है, अभी मैंने इधर सिर्फ स्ट्रोक रिक्टेंगल बनाई है। ठीक है, तो अगर मैं इधर करूँ फिल रिक्टेंगल, ठीक है, तो अभी आप देखना अब हमारे पास क्या आ रही है, फिल रिक्टेंगल आ रही है। ठीक है, सो अगर मैं क्या करूँ, अब हमारे पास दो दो तरह की रिक्टेंगल है, एक हमारे पास है फिल राउंडेड रिक्टेंगल और एक सिंपल रिक्टेंगल है। ठीक है, सो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फिल राउंडेड रिक्टेंगल भी और सिंपल भी। राउंडेड में क्या होगा कि हमें फिर वो उसकी राउंडनेस भी बतानी पड़ेगी कि कितना इसको हम राउंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए लास्ट पे हमारे पास एट्रीब्यूट है रेडियस का, जो हमें डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 10। ठीक है, सो वो क्या करेगा, उसको 10 जो है वो राउंडेड कह देगा। ओके, राइट, सो ये हो गया हमारे पास कि हमने ग्राफिक्स को ऐड किया है और उसके ऊपर हमने किस तरह रिक्टेंगल जो है वो बनाई है। रिक्टेंगल अब हम दो तरह के बना सकते हैं, एक तो स्ट्रोक वाली और दूसरी हम कौन सी बना सकते हैं, स्ट्रोक और फिल रिक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था एक एक मेथड के रिक्टेंगल बनाने का। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे रिक्टेंगल जो है वो चाहिए जिसमें दोनों चीज़ें ऑप्शंस हों। इससे अगर हम रिक्टेंगल बनाएंगे ना, तो हमें हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर है, या तो हम स्ट्रोक बना सकते हैं या हम फिल बना सकते हैं। हम दोनों एट अ टाइम नहीं कर सकते, लाइक मैं चाहता हूँ कि फिल भी हो जाए और स्ट्रोक भी आ जाए, बॉर्डर भी आ जाए, तो वो फिर उसके लिए करना पड़ेगा this.add.rectangle। ठीक है, रिक्टेंगल पहले मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक्स और वाई पोजीशन क्या रखना चाहता हूँ, फिर मुझे विड्थ और हाइट बतानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा इसका मैं फिल कलर क्या रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो फिल कलर मैं रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिल अल्फा मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स वाई विड्थ और हाइट। ठीक है, आई थिंक इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस साइड में मूव करना पड़ेगा 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अब इस रिक्टेंगल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेटर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई फंक्शंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को अपडेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको इस स्ट्रोक ट्रू कर दिया, और स्ट्रोक जब हमने ट्रू किया है तो प्लेयर डॉट स्ट्रोक कलर जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ वाइट कलर। ठीक है, और प्लेयर डॉट स्ट्रोक आई थिंक शायद, हाँ ठीक है, लाइन विड्थ। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ 5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक रिक्टेंगल ड्रा हो गई है जो कि राउंडेड है, और उसके हमने स्ट्रोक भी या लाइन स्टाइल भी अप्लाई कर दी और फिल स्टाइल भी अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब यही काम अगर हमने डायरेक्ट ग्राफिक्स के थ्रू करना हो, ठीक है, अब देख सकते हैं कि दोनों काम जो है हम यानी कि अगर हम रिक्टेंगल ड्रा करना चाह रहे हैं तो इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये कुछ डायरेक्टली तरीका है जिसमें हमें डायरेक्टली रिक्टेंगल ऐड कर दी है। तो दूसरा ये कि पहले ग्राफिक्स ऐड करें फिर उसके ऊपर हम रिक्टेंगल जो है वो ड्रा करें। सो अगर हम देखें ना, तो ये भी बैक पे वही काम ही करेगा जो हम इधर डायरेक्टली कह रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे सेम इसी तरह की रिक्टेंगल ड्रा करनी है ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, प्लेयर डॉट इज स्ट्रोक ठीक है स्ट्रोक रिक्टेंगल। ठीक है, सेम पोजीशन के ऊपर मैं क्या करूँगा, स्ट्रोक रिक्टेंगल जो है वो ड्रा कर दूंगा, स्ट्रोक
राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, राउंडेड स्ट्रोक राउंडेड रेक्टेंगल, ओके राइट, ठीक है। अब अगर हम आए तो इसमें क्या हुआ कि जो हम जो ये ग्राफिक्स है ना, ग्राफिक्स का क्या पर्पज़ होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम अब आगे यूज़ करके डिफरेंट ड्राइंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ये एक क्या है पूरा, ये एक पूरी लाइक कह लें आपके एक पूरा कंपोनेंट है जिसमें हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर प्लेयर डॉट करके मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रा सर्कल कर सकता हूँ, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ सर्कल, ठीक है, फिल सर्कल, इसकी मैं कुछ भी पोजीशन रख देता हूँ 200 बाय 200, ठीक है, रेडियस में जो है ना 1000 रख देता हूँ, ठीक है। सो अब देख सकते हैं कि ये उसने क्या किया है, इस साइड पे सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। सो ये क्या है, ग्राफिक्स जो है ना, ये बेसिकली उन्होंने एक प्रोवाइड किया हुआ, हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करके कुछ भी ड्रा करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यानी जो भी चीज़ें हमें ड्रा करनी है वो अलग अलग से ड्रा करनी पड़ रही हैं, ठीक है। इसमें क्या, हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, ये उन्होंने फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो जो क्या करता है बैक पे, वो यही काम ही करता है, ठीक है, वो एक ग्राफिक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर उसके बाद उसमें फिल रेक्टेंगल और स्ट्रोक दोनों जो है ना वो कर देता है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाती है, दोनों एट अ टाइम बन जाती है, लेकिन इस जगह पर हमें दोनों जो है ना वो अलग अलग से बनानी पड़ती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ग्राफिक्स है, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा ग्राफिक्स का कह लें आप एक कंपोनेंट बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी ड्रा करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा कि हम रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो सर्कल हमने इस तरह ड्रा किया है, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, ठीक है, अब ये सर्कल ड्रा हो गया ना। अब अगर ये सर्कल जो मैंने इस तरह ड्रा किया है ना, इस सर्कल में सेम इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, इसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। लेट मैं कहता हूँ लेट प्लेयर इज इक्वल टू दिस डॉट एट डॉट सर्कल, ठीक है। सो अब ये भी सेम वही काम कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या पोजीशन मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं रेडियस बता दूंगा कितने रेडियस का मुझे सर्कल चाहिए, फिर उसका फिल कलर बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम फिल कलर इधर ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं, या अगर मैं फिल कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। मेरा मतलब कि अगर हम पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर दें, ठीक है, उसको हम कुछ फिल कलर दे दें डिफरेंट, और नेक्स्ट जब हम ड्रा करना चाहें उसको हम किसी डिफरेंट फिल कलर से ड्रा करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। पहले हम इसको देख लें कि इस सर्कल फंक्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर मैं क्या लिखूँगा, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मैं अल्फ़ा बता देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं अगर जाऊँ तो ये मेरा क्या हो गया, इस जगह पे एक रिक्टेंगल ड्रा हो गया, ठीक है। सो रिक्टेंगल सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है। सेम लाइक दैट हम ट्राइंगल भी एक फंक्शन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम देखें, ट्राइंगल है, रिक्टेंगल है, पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर हमारे पास दिस डॉट, और हमारे पास क्या है, ठीक है, आई थिंक शायद हमारे पास बस यही है, ठीक है, शायद लाइन भी, हाँ लाइन भी ड्रा कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम बेसिक जो ग्राफिक्स है उसके साथ किस तरह ड्रा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के फंक्शंस बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है, उन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये सीखना है कि इन ग्राफिक्स के ज़रिए हम किस तरह वो चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सो जी डॉट, अगर मैं स्ट्रोक सर्कल ड्रा करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, 400 400 और रेडियस 10, ठीक है। सो अब ये मेरे पास एक सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है, इसका मैंने 10 रेडियस रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जी डॉट ट्राई, जी डॉट फिल, ठीक है, फिल के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फिल एलिप्स कह सकता हूँ, ठीक है। एलिप्स के लिए भी मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी, फिर विड्थ बतानी पड़ेगी, और फिर हाइट बतानी पड़ेगी, एंड में स्मूथनेस बतानी पड़ेगी, ठीक है, और जस्ट ये चीज़ें, ठीक है। अब हमारे पास ये, ठीक है, इसका साइज़ जो है ना हम थोड़ा कम कर देते हैं,
ठीक है, ये हमारे पास आ रही हैं सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो एलिप्स है, एलिप्स का हमने क्या क्या है, 200 बाई, ये जो एलिप्स है ये हमें शो नहीं हो रही। हमने क्या किया, फिल एलिप्स स्मूथनेस द नंबर ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ड्रा होगी। ठीक है, इसकी मैं मेरी गलती थी, मैंने इसको वन कर दिया था, वन नहीं करना था। वो हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स से मुराद ये कि अब ये जो इसके गिर्द ये सारे पॉइंट्स लगे हुए, जितने पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ये स्मूथ होती जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, 20 कह देता हूँ। ठीक है, अभी बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो 32 है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये कम स्मूथ हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 200। ठीक है, अब पॉइंट्स मैंने इंक्रीज़ कर दिए, अब देखो काफ़ी ज़्यादा ये वन स्मूथ हो गई है ये एलिप्स हमारे पास। ठीक है, फिर इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जी डॉट स्ट्रोक एलिप्स भी बना सकते हैं सेम लाइक दैट। ठीक है, वो मैं बिल्कुल इसके ऊपर ही बना देता हूँ। ठीक है, सो 300 200 200, राइट। सो अब अगर हम देखें तो वो उसके ऊपर ही हमने उसका बना दिया। ठीक है, इसको मैं इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो अब जो स्ट्रोक वाली है वो थोड़ी सी ऊपर चले गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जी डॉट, ठीक है, फिल, ठीक है, फिल सर्कल हमने देख लिया, एलिप्स देख लिया। ठीक है, फिर इस तरह हम पाथ भी कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं बाद में। ठीक है, उसके बाद रिक्टेंगल हमने देख लिया। ठीक है, राउंडेड रिक्टेंगल देख लिया हमने, ट्राइंगल जो है वो भी सेम लाइक दैट। ठीक है, जो चीज़ें मैं फिल में करवा रहा हूँ सेम चीज़ें स्ट्रोक में भी हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, पहले पॉइंट बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने बता दिया। ठीक है, अब पहला पॉइंट मैं कहता हूँ कि ये मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, वो भी एक्स जो है उसका कह लो कि 100 हो जाए। ठीक है, वाई वही हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक नीचे हो जाए, ठीक है, जिसका मैं कह देता हूँ 50, और उसको मैं कह देता हूँ ये कोई 40 हो जाए। ठीक है, तो अगर देखें ये ट्राइंगल हमारे पास बन गई इस जगह पे। ठीक है, अब अगर हम देख, हम मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है इसका कलर मैं कुछ और रखूँ, इसका फिल कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसका कलर कुछ और होना चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, जी डॉट सेट फिल, जी डॉट फिल स्टाइल। ठीक है, हाँ सेट नहीं, फिल स्टाइल, और फिल स्टाइल के अंदर मुझे क्या करना है, पहले कलर पास कर देना। ठीक है, कलर लेट्स सपोज के हम कुछ कलर इस तरह कर देते हैं रैंडमली कोई भी। ठीक है, वन कर देता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं ये जो है इसका कलर डिफरेंट हो गया है, इनका कलर जो है वो वही जो पहले था। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो अब क्या होगा, इसका फिल कलर जो है ये भी ये हो जाएगा, और इसका फिल कलर भी वही ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों का फिल कलर वो हो गया। ठीक है, अब इसमें फिल कलर में हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्रॉपर्टी यानी ट्रांसपेरेंसी भी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको 0.1 कर दिया, तो वो आप देख सकते हैं बहुत कम जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर जो है बहुत हल्का नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया हमारे पास, किस तरह हम फिल स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट हम स्ट्रोक स्टाइल भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक नहीं, लाइन स्टाइल। ठीक है, स्ट्रोक या लाइन स्टाइल जो दोनों सेम है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ 10, तो कलर जो है वो मैं चेंज करके ठीक है, और इसको मैं अल्फ़ा बन रख देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो है वो क्या हो गया, चेंज लाइन स्टाइल जो है इसका चेंज हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास कुछ बेसिक्स जो शेप्स हमने ड्रा की हैं, इसी तरह हम फिल करके या स्ट्रोक करके कुछ और शेप्स भी ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह आई थिंक नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जो पॉलीगॉन के लिए इस जगह पे अवेलेबल नहीं है हमारे पास ऑप्शन, लेकिन अगर मैं इस तरह करूँ दिस डॉट एड डॉट पॉलीगॉन, तो इस जगह पे मैं पॉलीगॉन ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे उसके पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन करने हैं, एक्स और वाई पोजीशन, और फिर उसके सारे पॉइंट्स पास कर देने हैं। ठीक है, अगर आप इसको ज़रा सा स्क्रॉल करें तो इस जगह पे आप देख भी सकते हैं, उन्होंने सारा इसको जो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा पहले एक्स और वाई पोजीशन डिफाइन करो। ठीक है, उसके बाद उसके लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दो, हमें एक अरे दो पॉइंट्स की। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उस पॉलीगॉन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बता दो उसका फिल कलर क्या रखना है, और उसका अल्फ़ा कलर क्या रखना है, और अल्फ़ा प्रॉपर्टी कितनी रखनी है, 0 से 1 के दरमियान उसकी रेंज होनी चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास कुछ ड्राइंग्स जो हमने अभी की हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रा किया है, सर्कल्स वगैरह ड्रा किए हैं। ठीक है,
इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जी डॉट, ठीक है। सबसे पहले हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं मूव टू, ठीक है। इससे मुराद ये है कि यहाँ से जो पेंसिल है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मैं कह देता हूँ 400x400 से पेंसिल मेरी स्टार्ट हो जाए मूव करना, ठीक है। उसके बाद जी करे लाइन टू, अब क्या करूँ कि वो लाइन ड्रॉ कर दे कहाँ से, मूव टू यानी 400x400 से स्टार्ट हो और 500x500 तक वो क्या कर दे, लाइन को ड्रा कर दे। फिर बाद में जी डॉट स्ट्रोक पाथ, ठीक है। आप देख सकते हैं उसने क्या किया है कि 400x400 से स्टार्ट हुआ लाइन को ड्रा करना और यहाँ तक इसने लाइन को ड्रा कर दी। अब अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, अब वो पेंसिल यहाँ से लेके यहाँ तक तो लेके गया था, लेकिन आगे हमने बताया नहीं कि इसमें आपने क्या करना है, फिल करना है क्या, ड्रॉ करना है, आपने क्या चीज़ करना है, वो हमने डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। 500 और इसको 600 तक ले गए, ठीक है। पहले देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इधर से पॉइंट आया इस जगह पे, फिर इधर से हम इस जगह पे ले गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं वापस इस जगह पे ले जाऊँ, ठीक है। तो इसको क्लोज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, जी डॉट क्लोज पाथ, ठीक है। अब मैंने उस जो ओपन पाथ था उसको मैंने क्लोज़ कर दिया, तो वो क्या करेगा, इसको इस तरह क्लोज़ कर देगा, ठीक है। अब क्लोज जो होगा ना, क्लोज़ पाथ नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर मैं करूँगा ना जी डॉट फिल बात, ठीक है। अब मैंने फिल बात कर दिया उसको, ठीक है। वो क्या करेगा, वो उसी पाथ को फिल कर देगा, ख़ुद से उसको क्लोज करके उसको फिल कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, इस तरह उसको पहले क्लोज़ कर दूँ फिर फिल कर दूँ, फिर भी ओके है, ठीक है। सो दोनों केसेस में वो जो है ना वर्क करेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रोक पाथ भी कर सकता हूँ, स्ट्रोक अब क्या हुआ है, वही जो पाथ था हमारा वो स्ट्रोक भी हो गया और फिल भी हो गया, ठीक है। अब इस तरह हम इस पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह हम मर्ज़ी चाहें, ठीक है। मैं इसको 800 नहीं, इसको मैं 600 ही रखता हूँ और इसको मैं कम करके 20 तक ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो इस तरह हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, यानी कोई भी रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो भी शेप्स वगैरह हम जो ड्रा करना चाह रहे हैं ना, वो इनकी मदद से हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ना ये जो मैंने ग्राफिक्स जो बनाया है, ठीक है, इसको मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जी डॉट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 200। अब क्या हुआ, वो जितने ग्राफिक्स थे ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, मूव हो गए, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ग्राफिक का बनाया था उसके अंदर सारे बना दिए थे, तो वो सारे के सारे मूव हो गए, लेकिन मैं तो सिर्फ इसको मूव करवाना चाह रहा था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए अलग अलग से ग्राफिक्स को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उनके नेम के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हुआ, वो जो रिक्टेंगल थी, जो हमने शेप या ट्राइंगल जो ड्रा की हुई, वो थोड़ी सी आगे को मूव हो गई है, ठीक है। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपडेट के फंक्शन के अंदर जी डॉट एक्स, ठीक है। अभी जो है हमारे पास जी इस जगह पे एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि जी तो हमने इस फंक्शन में डिफाइन किया है, तो इसका स्कोप जो है इस जगह पे नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे क्या देते हैं हम, दिस डॉट जी इज इक्वल टू नल, ठीक है। और इस जगह पर हम क्या कह देते हैं, दिस डॉट जी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं ये चीज़, और एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो शेप है वो मूव करती जा रही है, क्योंकि जब भी वो आएगा वो उसको प्लस प्लस कहता जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ जो हमने कल देखी थी कि फॉर लूप, व्हाइल लूप्स वगैरह, अब हम उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ कि ठीक है, अभी आप क्या करोगे, कल तो आपने उसको सिर्फ थ्योरी के तौर पे देखा था, जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर था उसको, ठीक है, उसमें आपने थ्योरी के तौर पे देखा था सिर्फ फॉर लूप, व्हाइल लूप्स वगैरह को। अब उसको प्रैक्टिकल में देखोगे कि फॉर लूप जो है वो किसी चीज़ को मूव कर रही है, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये जो है ना बहुत फास्ट चल रहा है, ठीक है, तो इसने बहुत जल्दी उसको मूव कर दिया कि हम उसको देखने से पहले ही वो जो है ना वो चेंज होगी इसकी पोजीशन। अगर हम देखें ना,
तो ये बहुत जो है ना वो तेज़ी के साथ उसने फॉर लूप चला दी है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है फॉर लूप, ठीक है। तो वो इतनी जल्दी उसका मूव करता है कि हम उसको देख ही नहीं पाते, वो नेक्स्ट चले जाता है, ठीक है। सो हम ये कर सकते हैं इसको 0.1 यानी कुछ कम वैल्यू इंक्रीमेंट करें, ठीक है। फिर भी हम उसको देख नहीं पा रहे, ठीक है। इसको अगर हम इंक्रीमेंट कर दें हम, ओके राइट, इसको अब हम इस जगह पे देख नहीं पा रहे कि ये बहुत फास्ट मूव करता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब मूव कर जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब जावास्क्रिप्ट में एक और चीज़ जो कल जो प्रीवियस लेक्चर में जो है ना वो मिस हो गई थी, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे, इसमें ना दो चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक होता है हमारे पास सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, और दूसरा हमारे पास होता है सेट इंटरवल, ठीक है। अब इन दोनों का क्या पर्पज़ है? सेट टाइम आउट का मतलब यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कोड है कुछ कुछ टाइम के बाद रन हो जाए, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि फर्स्ट पैरामीटर के ऊपर अपना कॉल बैक अपना फंक्शन पास किया है और दूसरे के ऊपर मैंने टाइम बता दिया। टाइम ये जो है ना मिली सेकेंड्स में है, तो अगर मैं 1000 बता रहा हूँ तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड है, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। सो अगर मुझे 2 बताना है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह अगर हम देखें इसको, सो अभी 2 सेकेंड्स नहीं हुए, अब 2 सेकेंड्स के बाद उसने कहा कि आई एम हेयर, ठीक है। ये चीज़ जो है हम देखना चाह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी इस फॉर लूप को इस जगह पे ले आते हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं कमेंट्स को। देखा कि 2 सेकेंड के बाद उसने इसको नेक्स्ट मूव कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये अभी हम देख रहे हैं कि फॉर लूप ने किस तरह उसको नेक्स्ट मूव कर दिया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हमारे पास होता है सेट इंटरवल। सेट अब इस सेट टाइम आउट में क्या होता है कि ये जब भी कोड को रन करेगा ना, ये सिर्फ एक टाइम के लिए रन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये उसको रन नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉल के लिए होता है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हर 2 सेकेंड के बाद वो कोड को रन करे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेट इंटरवल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हर 2 सेकेंड के बाद इस कोड को रन करता जाएगा। मैं इसको 1 सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर 1 सेकेंड के बाद वो क्या करता जा रहा है, उसको आगे आगे मूव करता जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये रिटर्न भी हमें करता है। इसको हम कहते हैं लेट इंटरवल। तो इंटरवल हम इस तरह सेव कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इस इंटरवल को ख़त्म करना चाहूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरवल क्लियर इंटरवल, ठीक है, और उसके अंदर मुझे अपना इंटरवल पास कर देना। अब ये क्या करेगा, उसको कॉल नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम देखें ना तो कुछ भी नहीं हो रहा, 1 सेकेंड गुजर गया, लेकिन ये उसको आगे मूव नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको क्लियर कर दिया। सेम लाइक दैट, जब हम इंटरवल वो यूज़ कर रहे थे ना टाइम आउट, उसके लिए क्या करना है, क्लियर टाइम आउट, ठीक है। तो वो उसको ख़त्म कर देगा, उसको कॉल नहीं करेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ थी, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जो हमने अभी देखी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ग्राफिक्स, हम किस तरह ड्रा करते हैं। हमने देखा किस तरह रिक्टेंगल, पॉलीगॉन्स वगैरह, ट्राइंगल्स, लाइन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना हम ड्रा कर सकते हैं यूजिंग दी ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लाइंस वगैरह ड्रा करनी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है हमारे पास दिस डॉट जी, अगर मैं कर्व ड्रा करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अर्क, ठीक है। और फर्स्ट वन अब मैं पोजिशन डिफाइन करूँगा अपनी, ठीक है। लेट्स सपोज के 500 बाई 550, ठीक है। और उसके बाद मैं रेडियस बता दूँगा, रेडियस में बता देता हूँ 20,
ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह देता हूँ, स्टार्ट एंगल 10, एंड एंगल 50, ठीक है, तो ये मैं कह देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया है, उसको ड्रॉ किया है इस जगह पे आर्क को, ठीक है। अगर हम सिर्फ आर्क ही ड्रॉ कर दें, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉप पाथ करना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया। अब इस चीज़ में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, स्टार्टिंग एंगल इन द रेडियंस एंड द एंडिंग एंगल इन द रेडियंस, लेकिन हम तो उसको डिग्री में पास कर रहे हैं, तो इस वजह से वो मसला कर रहा है। तो मैथ डॉट फाइव, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, स्टार 20, मैथ डॉट फाइव डिवाइडेड बाय 180, स्टार बाय 50। सो ये अभी अगर मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूँ टू 70 कर दूँ, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, अर्क क्या काम कर रही है कि अर्क ये करती है, ये सर्कल ही ड्रा करती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक तरीके से। इसमें क्या होता है कि पहले हम बता देते हैं कि स्टार्ट एंगल, यानी इस एंगल से स्टार्ट हो जाओ तुम अर्क को ड्रा करना, और फिर एंड एंगल यानी इतने एंगल तक उसको ड्रा करते जाओ। अब मैंने कहा है कि उसको कितने एंगल से, 20 एंगल से स्टार्ट हो जाओ ड्रा करना, और 270 तक ड्रा करते जाओ। तो ये 270 और इधर से 20, ठीक है, तो ये इस तरह उसने ड्रॉ कर दिए। एंड पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज और नॉट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसको हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, जैसे हमें ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैं ट्रू करूं तो अब उसने उसको अपोजिट तरीके में ड्रॉ किया, ठीक है, वो 20 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 270 तक उसने उसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब वो इस तरह इसको ड्रा करेगा 270 180, ठीक है, और फिर इसके बाद हम कह देते हैं 200, ठीक है। तो ये हमारे पास था अर्क के बारे में कि किस तरह हम एक अर्क ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक होता है d.g. देखा अर्क किस तरह ड्रा करते हैं, फिर हमने देखा इसमें ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, लाइन, फिर उसके बाद मूव लाइन हमने देखा कि पहले मूव लाइन हम करते हैं, सेट कर देते हैं पेंसिल, यहाँ से पेंसिल को मूव करना शुरू करो, फिर हम कहते हैं लाइन ड्रा करो, यहाँ तक लाइन ड्रा कर दो, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास मूव टू लाइन टू, ठीक है। उसके बाद और अगर हमारे पास कोई चीज़ रहती होगी तो उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिल ग्रेडियंट स्टाइल भी हम कर सकते हैं, इसमें ये होगा कि आप जो भी चीज़ ड्रा करोगे वो एक ग्रेडियंट तरीके से जो है ना वो ड्रा होगी, ठीक है। लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ, यानी मैं अगर कोई रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो उसको मैं ग्रेडियंट कलर देना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं दे सकता हूँ फिल ग्रेडियंट कलर, फिल ग्रेडियंट स्टाइल से, ठीक है। तो मुझे स्टाइल जो है वो ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह लाइन भी ग्रेडियंट स्टाइल में बना सकते हैं हम, ठीक है, जो भी हम बनाना चाहें, राइट बस जस्ट इसमें यही चीज़ें हैं, यानी हम लाइंस वगैरह किस तरह ड्रा कर सकते हैं, अर्क वगैरह किस तरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, और ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स वगैरह, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ करके कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम एक अरे ले लेते हैं, लेट
हम एक स्नेक बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैं इनिशियल से कोई दो पॉइंट दे देता हूँ, एक्स 100 100 100, ठीक है, और इस तरह एक्स 110 और वाई वाई हम क्या देते हैं 100, ठीक है। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट स्नेक करना पड़ेगा, ठीक है, दिस डॉट जी डॉट फिल सर्कल, ठीक है, दिस डॉट स्नेक डॉट स्नेक ऑफ आई डॉट एक्स, दिस डॉट स्नेक ऑफ आई डॉट वाई, और रेडियस हम रख देते हैं 20। सो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये दो सर्कल्स जो है ना रहा हो गए। अगर हम इसको थोड़ा सा दूर कर दें, ठीक है, इस तरह हम और भी इसके अंदर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने अब स्नेक जो है ड्रॉ कर दिए, इसको हम मूव करना चाहें तो हम मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं पैकमैन जो है वो उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट पैकमैन इज इक्वल टू दिस डॉट एड डॉट ग्राफिक्स, ठीक है, और इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ फिल स्टाइल बताना है, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कलर, ठीक है, और कलर मैं कह देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ पैकमैन डॉट अर्क, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ 100 100 बाय 100, ठीक है। रेडियस कर देता हूँ मैं 50, ठीक है, और स्टार्टिंग एंगल मैं कह देता हूँ मैं डॉट 5 डिवाइडेड बाय 180, और इसको मैं कह देता हूँ 0, ठीक है, इसको मैं 0 ही कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ मैथ डॉट 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय इसको मैं कह देता हूँ 320, ठीक है, और पैकमैन डॉट फिल पाथ, इसको हम अच्छा, ठीक है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है कि जब हमने इसको फिल पाथ किया है तो वो इस पॉइंट पे जाने के बजाय वो इधर से ही उसने फिल कर दिया, तो हमें क्या करना है, एक इस जगह पे उसको मूव टू करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पैकमैन डॉट मूव टू हम कह सकते हैं, ठीक है, मूव टू कहाँ से हमें कहाँ करना है, 100 बाय 100 हमें मूव टू करवाना है, आई थिंक शायद लाइन टू हमें यूज़ करना पड़ेगा, लाइन टू, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, बेसिकली जब वो इधर से लाइन ड्रा कर रहा था ना, तो इधर से करता 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 वो क्या हुआ, इस जगह पे चले गया, ठीक है। जब मैंने फिल किया तो उसने इस जगह पे ही इसको फिल कर दिया, इधर से ही डायरेक्टली, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि वो पहले इस जगह पे जाए और फिर फिल करे, तो मैंने इधर से लेके इधर तक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। सो अगर हम इसको स्ट्रोक भी कह दें तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर पता लगेगा, पैकमैन डॉट स्ट्रोक पाथ, ठीक है। इसमें अगर लाइन टू को ख़त्म कर दूँ,
ठीक है। तो अब अगर देखें, अच्छा स्ट्रोक जो है वो उसका हमने कलर नहीं डिफाइन किया, ठीक है लाइन स्टाइल, ठीक है। तो इधर हम कलर कह देते हैं लेट्स सपोज वाइट, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह हमारे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि वो इस जगह पे नहीं जा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको लाइन टू किया है, तो फिर वो मसला जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगर हम उसको देखें तो वो इस तरफ चले गए, अब लाइन इस तरफ पॉइंट पे आ गई है, यानी उसने इस तरफ से ड्रा करना शुरू किया और इस जगह पे जाके वो रुक गया था, और इस जगह पे उसने ऐसे कर दिया। अब मैंने इस लाइन ड्रा कर दी तो ये मेरे पास पैकमैन बन गया, ठीक है। अब इस पैकमैन को मैं मूव भी करवा सकता हूँ, ठीक है। पैकमैन डॉट एक्स इज इक्वल टू 200, ठीक है। सो मेरा पैकमैन जो है वो मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। सो इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, पैकमैन डॉट रोटेट रोटेशन इज इक्वल टू 10। आई थिंक पैकमैन डॉट सेट एंगल, ठीक है। रोटेशन के लिए मैंने क्या करना, सेट एंगल, ठीक है। इधर डिग्रीज बता देनी है कितनी डिग्रीज हम उसको रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उतना रोटेट हो जाएगा, ठीक हो गया। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही काफ़ी है, जिसमें हमने देखा है कि हम किस तरह ग्राफिक्स को यूज़ करके डिफरेंट जो है वो शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि किस तरह हम ग्राफिक्स को यूज़ करके डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये शेप्स कॉमनली गेम में इतनी ज़्यादा कह लें कि अगर मैं कोई प्रोफेशनल गेम बना रहा हूँ तो मे बी शायद मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन बट स्टिल अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर मुझे कोई गेम बनानी है इस तरह की स्नेक टाइप की गेम, ठीक है, तो उसमें मैं फिर इमेजेस वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, उधर मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं सिर्फ ये ग्राफिक्स ही यूज़ करके वो गेम बना दूँगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे कोई टैटर्स टाइप की गेम बनानी है, ठीक है, या स्नेक की गेम बनानी है, तो मैं डायरेक्टली जो है वो ड्राइंग करके ही वो गेम्स बना सकता हूँ बगैर कोई इमेजेस वगैरह को इम्पोर्ट किए, ठीक है। सो थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।